समय बदल चुका है, हम जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के हरेक स्तंभ का अपना योगदान है। इसमें विधायिका की अपनी भूमिका है, कार्यपालिका की अपनी भूमिका है, न्यायपालिका की भी अपनी भूमिका है और मीडिया भी अपनी भूमिका के साथ इस पूरी व्यवस्था पर पैनी निगाह रखे रहता है। बाकी अन्य व्यवस्थाएं अपने अनुरूप चल रही हैं, लेकिन पिछले दो दशक के दौरान जो सबसे ज्यादा बदलाव आया है वह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आया है और वह है मीडिया। उसका स्वरूप बदला है, उसकी भूमिका भी बदली है। आज से दो दशक पूर्व तक विजुअल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था, प्रिंट मीडिया था, उससे जुड़े हुए ग्रुप थे, उनके मालिकान हुआ करते थे, उनके संपादक, उनके प्रधान संपादक ये सब होते थे, एक संवाद होता था। इसके बाद दो दशक पूर्व अचानक विजुअल मीडिया की उपस्थिति लोकतंत्र में देखने को मिले। कमोवेश वही स्थिति थी, थोड़ी तीव्रता उसमें आई थी। हम लोगों ने जब राजनीति शुरू किया था, सार्वजनिक जीवन में जब हम लोग आए थे, प्रिंट मीडिया का बोलबाला था, कम ज्यादा बातों पर विश्वास हो जाता था, लोग सही तथ्य से जानकारी लेते थे, यानी ये माना जा सकता था कि प्रिंट मीडिया का भी कोई माई बाप था, विजुअल मीडिया का भी कोई माई बाप था। लेकिन इसके बाद जिस एक मीडिया ने अपनी धमक बनाई है वह बिना किसी माई बाप का है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। अगर आप अलर्ट नहीं है, अगर आपकी पहले से तैयारी नहीं है, तो आप मीडिया ट्रायल का विषय बन जाएंगे और यही होता है। सोशल मीडिया की भूमिका से हम कतई अपने आप को अलग नहीं कर सकते। सोशल मीडिया आज की युवा पीढ़ी को और पूरी व्यवस्था को कैसे प्रभावित कर रहा है उसको भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। आज कोई एक मुद्दा है, सोशल मीडिया में उठता है और सोशल मीडिया जैसे उसको कुछ देर तक आगे बढ़ाता है, दूसरे तीसरे दिन वह विजुअल और प्रिंट मीडिया का मुद्दा बन जाता है, मीडिया ट्रायल का विषय बन जाता है। फिर उसी में पैनल डिस्कशन होने लगते हैं, उसी में बड़े बड़े राइटअप आने लगते हैं, उसी में सारी चीजें आगे बढ़ने लगती हैं। और इसलिए इस बेलगाम घोड़े को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास उस प्रकार का प्रशिक्षण और उस प्रकार की तैयारी बहुत आवश्यक है, और वह हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो अत्यंत आवश्यक भी है। मैं पिछले 3-4 वर्षों से देख रहा हूं और 2014 के बाद से आदरणीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हम लोग देखते हैं अनावश्यक मुद्दों को मुद्दा बनाया जाता है और ये मुद्दों की तिथि और उनका कौन सा ऐसा अवसर होता है जब भारत सरकार अपनी किसी एक बड़ी उपलब्धि या किसी बड़ी घोषणा के साथ सामने आ रही हो, देश जब किसी एक बड़ी घटना का गवाह बनने वाला हो,
तब देश के अंदर वातावरण उस रूप में खराब करने का प्रयास होता है और उसका माध्यम बनता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से फिर अन्य स्थानों पर उसे प्रेषित किया जाता है, फिर वह उसका एक मुद्दा बन जाता है, मुख्य मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने की दिशा से ये सब कार्यक्रम इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी विगत चार साढ़े चार वर्षों से हम लोग यही देख रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, देश की संसद का सत्र प्रारंभ होने वाला था। संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले वाशिंगटन पोस्ट और अन्य कुछ ऐसे दुनिया के मीडिया ग्रुप में एक मुद्दा उछलता है और पेगासस का वो मुद्दा फिर किस कदर तक देश की पूरी संसद को बाधित कर देता है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनके पास कोई तथ्य और प्रमाण नहीं, लेकिन बिना किसी तथ्य और प्रमाण के किसी ने उछाल दिया, उसी को मुद्दा बना करके मीडिया में, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन सब में उसका मुद्दा बना करके फिर उसको उछालने का प्रयास करके देश की संसद का बहुमूल्य समय बाधित किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण सत्र था। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कोरोना प्रबंधन के बारे में भारत सरकार के द्वारा किए गए बेहतर प्रयासों की चर्चा हो सकती थी। थर्ड वेव की जो आशंका विशेषज्ञ मान रहे थे, इस पर हमारी क्या रणनीति है, इसके बारे में चर्चा हो सकती थी। देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार ने क्या किया है और आगे की क्या रणनीति, इस पर चर्चा हो सकती थी। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया को जब पूरी तरह प्रभावित किया है तो स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव रोजगार पर भी पड़ा होगा। सरकार ने रोजगार के लिए क्या कदम उठाए हैं और इस संबंध में आगे क्या अपेक्षाएं हो सकती थी, संसद के सत्र में चर्चा का यह विषय बनते और उसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक को देश के बारे में भी जानकारी मिलती, सत्ता पक्ष की गतिविधियों की जानकारी मिलती और विपक्ष कितना सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा है उनके हितों के लिए, इस पर भी चर्चा होती। लेकिन एक अनावश्यक मुद्दे को सामने ला करके सनसनी पैदा करना और उसके माध्यम से फिर देश की संसद के अमूल्य समय को गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, कोरोना प्रबंधन के लिए किए जा रहे प्रयासों पर जो एक बेहतर प्रबंधन की रणनीति तैयार होती, उससे यह देश वंचित हो गया। और हर एक सत्र के दौरान ये चीजें होता, आपने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले देखा होगा, उस समय एक नया मुद्दा उछाला गया था और उस राफेल के उस मुद्दे के आधार पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया गया था। लेकिन इस देश की महान जनता ने विपक्ष के इस षड्यंत्र को पूरी तरह बेनकाब किया और अंततः जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कहता था वही सच सामने आया। और उस सच तब सामने आया जब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो चुके थे। लेकिन कुछ देर और कुछ दूरी तक तो इन लोगों ने माहौल को खराब करने का प्रयास किया ही था और इसलिए इन सभी मुद्दों पर हमारी सतर्कता और हमारी चौकन्नापन भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है और हमारी तैयारियां भी बहुत महत्व रखती हैं। इसलिए सोशल मीडिया के आप सभी वॉरियर्स हैं और आपकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोनों प्रकार से मैं अक्सर देखता हूं कि हमारी ओर से ट्वीट को रिट्वीट करने या किसी भी उसकी अपनी बात को रखने में देरी होती है। हम लोग मुहूर्त देखते हैं, विरोधी मुहूर्त नहीं देखता। जिन राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर कोई भी अपना संगठनात्मक ढांचा नहीं, कोई भी उनकी उपस्थिति नहीं, न संगठनात्मक स्तर पर न शासन स्तर पर, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी सक्रियता देखते हुए बनती है।
ओपिनियन मेकर के रूप में उनकी भूमिका बड़ी प्रभावी देखने को मिलती है। वे लोग वहां पर अपनी बात को मनवाने में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। कारण है कि एक बड़ा तबका इन सब दृष्टियों से अपने आप को तटस्थ बना करके, मौन बनकर के तमाशबीन बना रहता है। हम में से ज्यादातर लोग इस बात को मान करके चलते हैं, इससे क्या होने वाला, ये तो झूठा ही है। लेकिन हम अपनी तरफ से उस सच्चाई को सामने रखने का प्रयास नहीं करते। और ये जो हमारी जो कमी है, इस कमी का ही फायदा वे लोग उठाते हैं। आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना कहीं घटित होती है, लोकल स्तर पर लोग कम, लेकिन वह मुंबई से, कोलकाता से, बेंगलुरु से, हैदराबाद से, यूएई से, यूके से और अन्य तमाम ऐसे देशों से वहां पर एक ट्रायल शुरू हो जाता है। जब सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म को हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें 90% मामले तो ऐसे हैं, 90% ट्वीट ऐसे हैं जिनका यूपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन कोई यूएई में बैठा हुआ है, कोई यूके में बैठा हुआ है, कोई यूएस में बैठा हुआ है और यूपी के मुद्दे पर रुचि ले रहा है। उसकी रुचि यहां के हित में नहीं, वह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हित में यहां के रोजगार के बारे में मुद्दा उठाता या उस पर योगदान देता तो स्वागत योग्य होता। वह उत्तर प्रदेश में निवेश में रुचि लेता और उससे उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर अग्रसर होता तो स्वागत योग्य होता। वह उत्तर प्रदेश के उन ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा पर चर्चा का विषय सामने रखता तो उसका स्वागत होता है। लेकिन वह उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं जिनका उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, चाहे वह गांव का व्यक्ति हो, चाहे वह किसान हो, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, श्रमिक हो, सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति हो, उनसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। सामाजिक विद्वेष पैदा करवाना, जातीय विखंडन की स्थिति पैदा करना, अराजकता का एक नया माहौल पैदा करने का प्रयास करना और फिर उसके माध्यम से अपनी रोटी सेक करके फिर केंद्र और प्रदेश सरकार को उसके नाम पर मोहरा बनाने का प्रयास करना, निशाना साधने का प्रयास करना। आप देखना यही सब चल रहा है। मैं पिछले 4 वर्षों के दौरान यही सब देख रहा हूं और उन स्थितियों में हमें आश्चर्य होता है कि हम लोग एक बहुत बड़ा हमारा दायरा होने के बावजूद इन मुद्दों में तटस्थ बने रहते हैं। और कभी कभी तो मैं ये भी देखता हूं कि अपने ही लोग भावनाओं में इतने बह जाते हैं कि उनके कैंडल मार्च के साथ स्वयं भी कैंडल मार्च निकाल के लेकर के उत्तर सड़कों पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। यानी वास्तविकता को जाने बगैर जब भी हम भी उनके कैंडल मार्च के साथ कैंडल मार्च निकालने के लिए उतावले दिखाई देते हैं तब हमें अपनी गंभीरता का एहसास होने लगता है कि वास्तव में हम कहां पर बैठे हैं। और इसीलिए आज का यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस राजनीतिक दल के साथ जुड़े हुए हैं, जिस विचार प्रवाह के साथ हम लोगों का जुड़ाव है, वह व्यक्ति से ऊपर, दल को, दल से ऊपर देश को मान करके चलता है। और इसीलिए आपने देखा होगा हमें वर्तमान की अपनी इस भूमिका को एक तो बहुत स्पष्ट रूप से रेखांकित करना होगा, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। दूसरा हमें यह भी देखना होगा कि जो सपना 1947 और उसके बाद जब भारतीय जनसंघ की स्थापना होती है, भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद भी जिन मुद्दों, जिन मूल्यों और जिन आदर्शों के लिए इस देश के लिए इस राजनीतिक दल का गठन हुआ, उन मुद्दों और मूल्यों की स्थापना को प्राप्त करने में
देश को उस परम वैभव तक पहुंचाने के उस लक्ष्य को हासिल करने में जब सफलता लगातार प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है, तुम्हारे विरोधी तत्व मौन कैसे बने रह सकते हैं? क्या कोई सोचता था कि कश्मीर में धारा 370 समाप्त होगी? कोई नहीं सोचता था। लोग मान चुके थे कि 1952 में देश के संविधान का हिस्सा बना दिया गया, अब कोई इसको हटा नहीं सकता क्योंकि वोट बैंक सबको प्यारा था। लेकिन हमारे यशस्वी नेतृत्व ने देश के आतंकवाद की इस सबसे बड़ी धारा को समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई, कश्मीर विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ गया, कश्मीर में आतंकवाद खात्मे की ओर जा रहा है, कश्मीर विकास की मुख्य धारा से जुड़ गया है, वहां पर लोकतांत्रिक मूल्यों और मुद्दों पर लोग अब चर्चा कर रहे हैं, कुछ परिवारों का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो रहा है। कोई सोचता था अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा इतनी सहजता, इतनी सरलता के साथ, इतना शांतिपूर्ण, इतना सौहार्दपूर्ण समाधान निकल पाएगा? कोई नहीं सोचता था। लेकिन समाधान हुआ ना। नेतृत्व जब यशस्वी होता है, समस्या का समाधान उसी यशस्वी तरीके से निकाल करके बना देता है। और अयोध्या में आपने देखा होगा, लोग बोलते थे ना कि मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा तो खून की नदियां बहेंगी। अरे मैं तब भी बोलता था, अरे मच्छर नहीं मरेगा। खून की नदियों को बहलाने की बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस दिन राम जन्मभूमि का फैसला आया था, मुझे लगता है मैं पिछले 30 वर्षों के अपराध के आंकड़ों को देख रहा था, और वह दिन ऐसा दिन था जो सचमुच रामराज्य का दिन था। एक भी घटना उस दिन नहीं घटित हुई, न छिनैती की, न चोरी की, न डकैती की, न हत्या की, न किसी प्रकार की, अन्य किसी भी प्रकार के अपराध की। यह है रामराज्य, यह है शासन की व्यवस्था। याद करिए, अगर केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, क्या राम जन्मभूमि का मुद्दा सुलझ गया होता? और भाइयों बहनों, यही से हम कह रहे हैं, यही कसौटी है। हमने प्रोपेगंडा नहीं किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, नहीं। होना है तो होना है, मामला समाप्त। जिस मुद्दे को अगर हमारे पूर्वजों ने ठान लिया है कि हमने पार्टी की स्थापना के पीछे यह उद्देश्य है, या आवश्यक नहीं कि हम उसे अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं, अगर होना है तो जब मौका मिलेगा हम करके दिखाएंगे। अब घोषणाओं से नहीं, करके दिखाएंगे। लेकिन यह कसौटी के उतरने का किसी भी राजनीतिक दल का यह जज्बा केवल भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि हम देश के हित में, आने वाली पीढ़ी के हित में काम करेंगे, अपने व्यक्तिगत हित में नहीं और अपनी सत्ता के लिए मात्र नहीं। और यह भारतीय जनता पार्टी ने जब भी अवसर मिला है करके दिखाया। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच आखिर इतना बड़ा समाज, इतना बड़ा कार्य, कोरोना प्रबंधन पे विपक्ष हमें कोस रहा है, मीडिया हमारे खिलाफ पहल चला रहा है, अभी भी आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की बातें की जा रही हैं, लेकिन हम लोग उसको सही ढंग से उसका जवाब देने में समाज क्यों मौन रह जाता है? अगर आप अमेरिका और भारत की आबादी की तुलना करेंगे, आखिर अमेरिका भारत से आर्थिक रूप से और सामरिक रूप से काफी मजबूत और संपन्न है ना, ये तो हर व्यक्ति जानता है। उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से काफी ज्यादा मजबूत है, काफी ज्यादा बेहतर भी है। अमेरिका की आबादी भारत की एक चौथाई आबादी है,
कुल 33 करोड़ की आबादी अमेरिका के अंदर है, भारत की 136 करोड़ से ज्यादा आबादी है। कोरोना में आपने देखा होगा दूसरी लहर के दौरान अमेरिका के बारे में लोग कहते हैं अमेरिका ने बहुत अच्छा काम कर लिया, और ये तब हो रहा था जब अमेरिका के अंदर मौतें तब भी भारत से ज्यादा हो चुकी थी। यानी भारत के अंदर कुल जितनी मौतें हुई हैं उससे डेढ़ गुना से अधिक मौत अमेरिका के अंदर हुई हैं, जबकि अमेरिका की आबादी भारत की आबादी की एक चौथाई है। लेकिन तब भी मॉडल अमेरिका का बन रहा है, हम भारत के मॉडल की चर्चा नहीं कर पाते, हमें तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाते। भारत ने गरीब कल्याण पैकेज के लिए जो कार्यक्रम किए प्रथम लहर में, कौन सा ऐसा कार्यक्रम नहीं था। 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवा देना, जनधन अकाउंट धारी हर महिला के खाते में पैसा भेज देना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जितने लाभार्थी रसोई गैस का सिलेंडर प्राप्त किए थे उनको फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवा दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित होने वाले लगभग 10 करोड़ किसानों को भी अतिरिक्त धनराशि दे दी गई। वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले और निराश्रित महिला पेंशन प्राप्त करने वाले उन सभी विधवाओं के खातों में भी पैसा भेजा गया, अतिरिक्त पैसा दिया गया। इसकी चर्चा नहीं हो पाई, इसके बारे में लोग चर्चा नहीं कर पाए। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने अपने राज्यों के लिए गए, उन सबको फ्री में राशन उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था, और पूरे देश के अंदर फ्री में उपचार के साथ साथ अब फ्री में वैक्सीन भी देने का कार्य हो रहा है। दुनिया के अंदर भारत अकेला देश है जो फ्री में वैक्सीन अपने नागरिकों को दे रहा है, लेकिन ये हमारी उपलब्धियों में नहीं जुड़ पाती, क्योंकि हम लोग अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रखने में कोताही बरतते हैं। 50 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन मिल जाए, 36 करोड़ जनधन अकाउंटधारी को कोरोना के दौरान उनके खाते में पैसा चला जाए, 2.5 करोड़ लोगों को देश के अंदर 7 वर्षों में एक एक आवास उपलब्ध हो जाए, 10 करोड़ लोगों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाए, 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन मिल जाए। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जब हम लोग 1998 में पहली बार सांसद बना था, हम लोगों को 25 का कोटा मिलता था रसोई गैस के कूपन का, और हम लोगों के लिए चयन करना कठिन हो जाता था कि 25 में किसको चयन करें। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, कांग्रेस की सरकार 2004 में आई, तो ये रसोई गैस का कनेक्शन किसी को लेना होता था तो 25,000 रुपये कम से कम उसको देने होते थे। आज वही रसोई गैस का कनेक्शन फ्री में दिया जा रहा है, हम इसकी चर्चा नहीं करते, हम उसकी तुलना नहीं कर पाते। आवास योजना, अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर 40 लाख लोगों को अब तक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है, और एक आवास स्थिर आवास ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 रुपये, 15,000 रुपये शौचालय के लिए अलग से, और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर भी मानदेय उसको अलग से दिया जाता है। इतनी राशि एक आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र में दिया जा रहा है, अगर नक्सली क्षेत्र है तो 1,20,000 की जगह 1,30,000 रुपये उसको दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं बनता। कल आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 15 करोड़ लोगों को खाद्यान्न किट के साथ उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शुरू हुई। ये पहली बार नहीं हुआ है, यद्यपि
अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक भी खाद्यान्न उपलब्ध करवाया गया और इस बार मई से लेकर के अब तक, लेकिन एक दिन में कल उत्तर प्रदेश के अंदर 84 लाख राशन कार्ड धारकों में 3.5 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर कल एक दिन में। दुनिया के अंदर तमाम देशों की आबादी इतनी नहीं होगी जितने लोगों को कल खाद्यान्न उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन में बांटा और जिनके साथ कल प्रधानमंत्री जी ने सीधे संवाद किया, लेकिन हम इसको मुद्दा नहीं बना पाते। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पिछले 4 वर्ष के अंदर 2,61,00,000 से अधिक परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया, 1,38,00,000 लोगों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 1,47,00,000 लोगों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए और रसोई गैस उनको फ्री में उपलब्ध करवाई। कितनी बड़ी संख्या है। किसानों का कर्ज माफी का मामला हो या फिर प्रदेश के अंदर नौजवानों की ही बात करें, लगभग 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी मिली। कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से 1,61,00,000 नौजवानों को प्रदेश के अंदर हुए निवेश के माध्यम से नौकरी और रोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया और स्वतः रोजगार से भी 60,00,000 से अधिक लोग जुड़े। अगर इस पूरी उसमें जुड़े हुए सबके आंकड़े हैं, नाम हैं, इन सब के साथ संवाद बना करके इनके आधे आधे मिनट के भी हम लोग इंटरव्यू लेकर के और इनके जीवन में क्या खुशहाली हुई इनसे थोड़ा चर्चा कर ले, तो जो लोग एक नकारात्मक छवि केंद्र और प्रदेश सरकार की प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं उसका एक बेहतरीन जवाब हो सकता है, उनको बताया जा सकता है। दूसरा, हम वेट करते हैं। मैंने एक बार एक सज्जन से पूछा, सोशल मीडिया का काम देख रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कभी देश के अंदर कोई एक घटना घटित हुई थी, मैंने कहा इस पर अभी तक क्यों नहीं आपका रिएक्शन आया, कहा नहीं हम लोग 3 बजे के बाद करते हैं। तो मैंने कहा घटना 12 बजे की है, 3 बजे के बाद आप करेंगे तो इतना कोई मुहूर्त देखना आवश्यक है क्या? इसके लिए कौन मुहूर्त निकालने की आवश्यकता है? वह अगर दुश्मन सामने से तोप चला रहा है तो आप इंतजार करेंगे कि नहीं पहले हम देखेंगे तोप का क्या असर होता है? भाई जब प्रयासी कर रहा है अगर आप उसी समय उसका प्रहार कर देंगे तो हो सकता है उसका तोप वहीं पे नष्ट हो जाए, लेकिन इंतजार करते हैं हम लोग, ये मुहूर्त का समय नहीं है, ये तो फील्ड में रह करके अग्रिम मोर्चे पे रह करके मजबूती के साथ एक टीम वर्क के साथ आगे बढ़ने का समय है। और ये टीम वर्क मुझे लगता है कि आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने जा रहा है, आपकी बड़ी भूमिका होगी हर एक स्तर पर। और इसलिए शासन से जुड़ी हुई, केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई उन चीजों को एक साथ अगर आप कलेक्ट कर लें, अपने साथ एक टीम बना लें, उन लाभार्थियों से मिलकर के उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है इसको लेकर के, मुझे याद है लोकसभा चुनाव में मुझ पर 3 दिन का बैन चुनाव आयोग ने लगाया, मेरे पास कोई काम ही नहीं था, मुझे कहीं सार्वजनिक रूप से वक्तव्य नहीं देना था, किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं करना था। अब मैं क्या करूं मैं ये नहीं समझ पा रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर का दर्शन करने जाऊं, तो मैंने अयोध्या का कार्यक्रम बनाया। अयोध्या में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति को जानकारी हुई कि मैं अयोध्या आ रहा हूं, तो उसने मुझे रात्रि को 12 बजे उसने मुझे वहां से फोन करके कहा कि आप कल अयोध्या आ रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कहा कि मैं अनुसूचित जाति का हूं, किसी भी राजनीतिक दल से मेरा संबंध वर्तमान में नहीं है, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा भाई आपने मेरा नंबर कहां से लिया? कहा साहब मैंने विधायक जी से मांगा है। तो मैंने विधायक को फोन किया,
भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। मैंने कहा विधायक जी बताइए कौन व्यक्ति है। उन्होंने कहा ये हमारे एक गांव का एक अब यहाँ अयोध्या का ही एक नागरिक है, अनुसूचित जाति का है, वो आपको अपने घर बुलाना चाहता है। मैंने कहा क्यों? कहा कि देखिए हो सकता है इसलिए क्योंकि उसने नया घर बनाया है। तो मैंने कहा क्या काम करता है? कहा राजमिस्त्री है। मैंने कहा किस योजना से मकान बना है? कहा मैं अभी पूछ के बताता हूँ। उन्हें फ़ोन करके पूछा तो उसने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना से बना है। तो मुझे एक मुद्दा मिल गया। मैंने कहा अच्छी बात है। तो लेकिन मैंने कहा मेरे साथ तो कोई मीडिया आएगी नहीं। कहा नहीं नहीं हम किसी को नहीं बुला रहे हैं। मैं वहाँ गया, अयोध्या गया। जब मैं उसके घर में गया तो पूरा परिवार आरती की थाली लेकर के खड़ा था। मैं आश्चर्यचकित था। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भैया आरती की थाली लेके क्यों खड़े हैं आप? उसने कहा साहब ये मकान आपने मुझे दिया है। मैंने कहा मैंने? कहा हाँ साहब, मैं तो पहले बहुजन समाजवादी पार्टी का नेता था और कभी मुझे मकान नहीं मिला। इस बार बिना किसी सिफारिश के मुझे ये मकान मिल गया है। तो मैंने कहा हमारे यहां तो भेदभाव नहीं होता है कि कौन किस पार्टी का है। वे लाभार्थी है, पात्रता रखता है तो उसको मकान मिलेगा। उसने कहा साहब यही तो मैं भी कह रहा हूं कि मुझे ये मकान मिला बिना किसी सिफारिश के। तो मैंने कहा और क्या क्या है? कहा आप घर में तो आइए। खैर मैं घर में गया, उसने बैठने की व्यवस्था की थी, मैं घर में गया बैठा। उसके बाद उसने मुझे कहा, उसने कहा देखो साहब ये रसोई गैस भी मुझे भाजपा ने दी है। मैंने कहा और? उसने कहा ये जो बिजली चल रही है ना ये भी हमें भाजपा ने दी है, फ्री में बिजली मिली है। मैंने कहा और? उसने कहा साहब ये राशन कार्ड भी मुझे भाजपा से मिला है और फ्री में राशन मिलता है। मैंने कहा और? उसने कहा साहब देखिए बैंक में हमारा अकाउंट भी खुला है। तो मैंने कहा ये कैसे? कहा ये जनधन खाते में मोदी जी ने खुलवाया है। देखिए एक अयोध्या का एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति मेरे सामने पांच योजनाओं को गिनाया। तो मैंने कहा पांच, मैंने कहा तो उससे क्या हुआ? उसने कहा देखो पहले मैं अपने परिवार से आपका परिचय करा रहा हूं। मैंने कहा बताओ। उसने अपनी दो लड़की, उसने कहा साहब मेरे तीन बच्चे हैं, दो लड़कियां थी, दोनों की मैं शादी कर लिया हूं, लेकिन दोनों को मैं आज बुलाया हूं। जब मुझे रात 12 बजे आपने सहमति दी तो मैं अपनी लड़कियों को भी बुलाया हूं। मेरा एक लड़का है, नौजवान लड़का है, और इन लड़कियों की शादी में मेरा जितनी मैं कमाई करता था तो मैं उसको बचत करके रखता था, लेकिन मेरे सामने था कि मुझे लड़कियों की शादी भी करनी है और फिर मकान भी बनाऊंगा। कहा लड़कियों की शादी करने के बाद मेरे पास 1,00,000 रुपए इकट्ठा हुआ था और मैं सोचता था कि मैं इससे मकान बनाऊंगा। तब तक आपकी स्कीम आई, 2,50,000 रुपए मुझे मिल गए, मैं राजमिस्त्री स्वयं था, मैंने छोटे छोटे 4 कमरे बना लिए और अब मेरे पास जो 1,00,000 रुपया था तो मैंने उससे ई रिक्शा खरीदा और मेरा लड़का ई रिक्शा चलाता है, 1,000 रुपये प्रतिदिन कमाता है, महीने में 30,000 रुपये मेरे पर घर में मिल जाता है। अब मैं राजमिस्त्री का काम करूं ना करूं ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि मेरे परिवार में आय का एक जरिया हो गया है। और इसलिए मैं मोदी जी को और आपको धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मैंने अपने घर में बुलाया है। उसने कहा साहब आप जब यहां से जाएंगे तब मीडिया से मैं बात करूंगा, मुझे जानकारी मिली है कि आपको मीडिया से बात नहीं करनी है, लेकिन अब मैं बोलूंगा कि मैं कहां पहले था और किस भ्रम में था और जब मैं उससे ऊपर उठ करके काम किया हूं, अब मैं भाजपा का हूं, हमेशा भाजपा के साथ रह करके काम करूंगा और भी लोग कान खोल करके सुने कि वास्तव में कल्याण कहां से होना है, एक एक योजना हर एक नागरिक के जीवन में कैसे व्यापक परिवर्तन ला सकती है। अयोध्या का महावीर हरिजन इसका एक उदाहरण है। और ऐसे 40,00,000 लोगों को मकान मिले हैं यूपी में अब तक, 40,00,000 लोगों को। सोचिए 2,61,00,000 परिवारों को एक एक शौचालय मिला। कभी उन परिवारों से जाकर के पूछिए बीमारियों का प्रतिशत कितना कम हुआ है, बालिकाओं और महिलाओं की गरिमा की रक्षा उसके कारण होने से उस परिवार ने कैसे अपने सम्मान की रक्षा की है।
कभी हमने उनकी पीड़ा को जानने का प्रयास किया होता ना, तब हमें वास्तविक जमीनी हकीकतों की जानकारी होगी। और उनके छोटे छोटे इंटरव्यू बहुत कुछ कह देगा, बहुत कुछ कर देगा। कल आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का इंटरव्यू, प्रधानमंत्री जी जब गरीब कल्याण योजना के अंदर महिलाओं से बात कर रहे थे और कैसे देहाती भाषा में महिला बोलती थी कि मंत्री जी तुम जब से बने हो तब से, तो यानी वह बेचारी तुम कहकर ही के बात कर रही थी, एकदम ठेठ गांव की महिला थी, लेकिन उसकी बातों में अपनत्व था, कृतज्ञता का भाव था, उसकी बातों में एक भाव था कि मुझे मोदी जी के द्वारा स्कीम का लाभ मिला है और इसलिए कृतज्ञता ज्ञापित करना मेरा धर्म बनता है। और वह उस रूप में अपने शब्दों को भी प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही थी। हमने कभी उसको उस रूप में लेने का प्रयास किया होता, प्रधानमंत्री जी संवाद कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं? केवल 10-10 लाभार्थियों से एक दिन संवाद प्रत्येक व्यक्ति कर ले। आपकी इतनी बड़ी टीम है, आपके साथ भी एक टीम होगी, 10 से ज्यादा नहीं, 10 लोगों से आधा आधा मिनट का, और जब उसको फिर आप अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं, आवास का अलग, शौचालय का अलग, बिजली का अलग, शेष अन्य उपलब्धियों का अलग। अयोध्या गए, यह पर्यटन हमारे लिए केवल श्रद्धालुओं की सुविधा का साधन मात्र नहीं है, नौजवानों के रोजगार का भी यह माध्यम बनता है। याद रखना, जब प्रयागराज में हम लोगों ने कुंभ का आयोजन किया था, प्रयागराज कुंभ में राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के कुल 4,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने के, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के पूरे आयोजन तक, और जब हम लोगों ने एक टीम लगाई थी उसके साथ, आईएम लखनऊ की, आईआईटी की, कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी हम लोगों ने एक टीम लगाई थी, ये देखने के लिए कि अर्थव्यवस्था पर इसका कितना असर पड़ा। 1,20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्रयागराज और उसके आसपास के क्षेत्र में व्यापार के माध्यम से लोगों के जेबों तक पहुंचा है। अगर 4,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद 1,20,000 करोड़ रुपए देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती उसके माध्यम से प्राप्त होता है, तो ये इकोनॉमी का सबसे अच्छा मॉडल हो सकता है। लेकिन इन पर चर्चा करने, इसको चर्चा का विषय बनाने का माध्यम क्या हो सकता है, इस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। बहुत कुछ है अमित जी, इसमें पहले से ही उनके पास अनेक अनुभव हैं, उन्होंने आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर प्रशिक्षित कराया होगा। यहाँ पर कामेश्वर जी की टीम प्रदेश में पहले से कार्य कर रही है। प्रोफेशनल तरीके से अगर हम काम करना प्रारंभ करें, टीम बना करके अभी से इस पर हम लग जाएं, तो ये जो जिनके पास ये मुट्ठी भर लोग जो माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पास देखना, आपका ट्वीट कम शब्दों में प्रभावी होना चाहिए, या कहीं से केंद्र से प्रदेश सरकार की किसी प्रकार कोई योजना आ रही है तो हम केवल रिट्वीट तक ही सीमित न रहें, बल्कि उसके साथ कुछ अपने शब्दों को जोड़ करके उसको और प्रभावी बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, समाज के एक बड़े तबके तक उसको पहुंचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन साथ साथ अगर कोई हम पे आरोप लगाता है कि साहब हमने बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं किया, तो उनसे पूछना चाहिए ये 4,00,000 नौजवानों के इंटरव्यू क्यों नहीं आप दे देते हैं आधे आधे मिनट का? कोई पुलिस में भर्ती हुआ है, कोई अध्यापक बना है, कोई पीसीएस अधिकारी बना है, कोई पीपीएस अधिकारी बना है, कोई किसी न किसी क्षेत्र में जाके काम कर रहा है, और उस समय उनकी आधे आधे मिनट का उसमें चस्पा कर दीजिए ना, और तब बोलिए इसमें तो कोई भाई भतीजावाद नहीं है, इसमें कोई वंशवाद नहीं है, इसमें कोई क्षेत्रवाद नहीं है, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है, पूरी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 4,50,000 नौजवानों को प्रदेश में नौकरी मिली है। इससे पहले 10 वर्ष के कार्यकाल में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई है। किसानों की कोई चर्चा करता तो बताइए ना, 2007 से 2017 तक केवल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो पाया था, और 4 वर्ष में 1,40,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है।
प्रोक्यूरमेंट अलग है, एमएसपी का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे मिलना प्रारंभ हुआ। ये डाटा तैयार करके हम उसमें फ्लोट करें ना, कौन किसान का हितेशी है, जो एमएसपी नहीं देते थे वे हैं, या जो एमएसपी का लाभ किसान के खाते में सीधे पहुंचा दे रहा। किसान हितेशी कौन है, जो चीनी मिलों को बंद करके पांच पांच सात सात वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होने देते थे वे लोग हैं, या जो उसी सत्र में गन्ना मूल्य का भुगतान किसान के खाते में पहुंचा दे रहे हैं और चीनी मिलों को कोरोना के बावजूद भी चला रहे हैं, कौन हितेशी है? ये जनता की अदालत में तय होने के लिए हमें छोड़ना चाहिए, इस पर हमें बताने की आवश्यकता है। श्रमिकों की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ प्रवासी और निवासी श्रमिक हैं, इसमें मनरेगा के श्रमिकों को भी अगर हम जोड़ लें और बटाईदार को भी जोड़ लें, लगभग 3 करोड़ की संख्या है, और प्रत्येक को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। बटाईदार को तो हमने कृषक दुर्घटना बीमा में 5 लाख रुपए की बीमा की सुरक्षा बीमा की योजना, उनको सुरक्षा बीमा दिया है, और शेष को 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया है। उनके साथ संवाद बना करके अगर हम उनके इंटरव्यू लेकर के जो योजनाओं का लाभान्वित हुए हैं, हम लोगों ने जब प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की थी, लोग हंसते थे, विपक्ष हंसता था कि गरीब कन्या की एक अपमान है, 1,52,000 गरीब कन्याओं की शादी इस योजना के अंतर्गत हुआ है। उन कन्याओं की, उनके परिवार के लोगों का इंटरव्यू अगर इसके साथ हम जोड़ करके थोड़ा चस्पा कर लें सोशल मीडिया में ना, पता लग जाएगा क्या है। इस अलग अलग तबके को, और मुझे याद है 2014 और 2017 में जब हम लोग प्रदेश में आते थे चुनाव प्रचार में, पूरब में तो उतना स्थिति नहीं थी खराब, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी, जहां जाते थे एक ही चर्चा है कि साहब ये कब हम उससे मुक्ति मिल पाएगी, क्या हो गया, बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेज पा रहे हैं, अपराधी जब चाहें तब घटना को कोई भी अंजाम देते हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, अराजकता की स्थिति है। आज पूछिए उन परिवारों से, उन महिलाओं से, कि आज भी कोई किराना बनाने का दुस्साहस कर पा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में, क्या आज कोई किराना की बात कर सकता है क्या, किराना और कांदला में लगभग जो 8% हिंदू रह गए थे आज 67% हो गए फिर से, ये नए आंकड़े आपके सामने हैं। जाकर के वहां पूछा जाना चाहिए और तब फिर बताना चाहिए कि हाँ ये है हमारी सरकार का भय मुक्त वातावरण देने का जो वायदा था ये हमने करके दिखाया है, हमने केवल कहा नहीं करके दिखाया है। 4.5 वर्ष में कोई दंगा प्रदेश में नहीं हुआ, और नहीं तो आप उठा के देखिए एवरेज 3-4 दिन के अंदर एक दंगा यूपी के अंदर हुआ है, बड़ा दंगा हुआ है, लखनऊ भी उससे अछूता नहीं था। महीनों बरेली से लेकर के कौन ऐसा कस्बा था जहां दंगे में कर्फ्यू के दौरान बंदी न हुई हो, और ये सभी कार्य हुए हैं, क्यों नहीं हम पब्लिक के सामने बताते हैं, क्यों नहीं जनता को इस बारे में बताते हैं। ट्रिपल तलाक से जो महिलाएं आहत थी उनको न्याय मिल रहा है, उनको शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ करके विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विषय नहीं है, क्या हम उनके इंटरव्यू लेकर के उनको अपने साथ जोड़ने का कार्य नहीं कर सकते, बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। और न चाहते हुए भी सोशल मीडिया की इस भूमिका के साथ हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ना होगा, केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को अगर हम आगे बढ़ा सकेंगे बहुत कुछ आपके पास होगा, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इनके पुराने वक्तव्य, इनके पुराने कृत्य, इनके पुराने कारनामे इनको स्वयं बैकफुट पर लाने के लिए मजबूर कर देगा, उन्हें बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर कर देगा, और उस दिशा में एक नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी लोग आज के इस प्रशिक्षण के बाद अपने अपने स्तर पर भी, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, सेक्टर स्तर पर उस प्रकार की व्यूहरचना तैयार करके प्रभावी भूमिका के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं, धन्यवाद, जय हिंद। हरी संसार संस
बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळी म्हणजे सिचुएशन।